गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब भी है ना, मैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले में हूँ। नहीं, राजस्थान ज़िला ही है, हाँ सॉरी, राजस्थान के छोटे से ज़िले दौसा ज़िले में हूँ। मॉर्निंग में अभी सुबह समथिंग 10:30 बजे हुए हैं, और अभी मैं जग के नहाया था। नहाने के बाद हम बाल सुखा रहा हूँ, पंखा चल रहा है, और अभी मैंने कपड़े भी नहीं पहन रखे सही ढंग से, नीचे सारा कुछ है तो इस हिसाब से। और मैंने भाई साहब, एक मेरे साथ में कल घटना घटित हो गई थी, क्योंकि दूसरी बार घटना घटित हुई है, और वो ये मेरे साथ में एजेंट से। और आप कंटिन्यू वीडियो बने रही है, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाइयों। फाइनली हमारा खाना आ चुका है। तो भाई फाइनली अभी मैं मॉर्निंग में ना लिया था, आपको पता ही था, क्योंकि अभी है ना, फिर मैं दोबारा से सो गया था और फिर काम करने लग गया था। अभी टाइम मिला था, मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ऊपर उठूँ। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, मतलब 2:30 का टाइम हो रहा है एवरेज। हाँ ओ सॉरी, 4 बज रहे हैं, देख लीजिए, देख नहीं रहा आपको तो, अभी बाद में देख लेना। तो मुद्दा ये था कि यार मेरे साथ में जो घटना घटित हुई है वो आपके साथ में ना हो, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। और काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग वगैरह शूट किए हुए, तो उस हिसाब से मैं बाहर गया भी नहीं। तो मैंने सोचा कि बाहर जाऊँ, क्योंकि अभी घर में कुछ काम था और हमारे घर पे ये छोटा सा मेहमान आया था, तो उस वजह से। और किन किन जो आप जितने भाई मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो ये इस बंदे की वीडियो मिल रही होंगे आपको सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स में। तो ये बंदा एक्चुअली कोई नहीं है, ये मेरा बाकी खुद समझदार हो। और आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से काफ़ी सारे ऑर्डर्स मंगाते होंगे। मैंने भी प्रोडक्ट मंगाया था, मैं ऑलरेडी पहले फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट वगैरह मंगाता था काफ़ी सारे, और फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी मेम्बर हूँ मैं। और पहली बार मैंने अमेजन से प्रोडक्ट मंगाया था, तो मेरे को मालूम नहीं था कि अमेजन की पॉलिसी इतनी जल्दी जो अपडेट हो जाएगी। तो पॉलिसी ये थी, अगर जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट मंगाते हो अमेजन के थ्रू, तो आप समथिंग जैसे एग्जांपल फॉर मान लो ये मैंने मंगा लिया इस चीज़ का, ठीक है, ऑनलाइन मंगा लिया अमेजन से, तो अब इसको अपन को रिटर्न करना है कुछ रीज़न की वजह से, इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह कुछ भी है, नहीं रीज़न कुछ भी हो चुका है, तो इसको मेरे को रिटर्न करना है वापस, तो ये रिटर्न नहीं होगा। उसमें पॉलिसी का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, काफ़ी लोगों के उसमें जिनका पुराना वर्जन चल रहा है उसमें आ रहा होगा, लेकिन अभी ये जो नया अपडेट वर्जन आया उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न करोगे तो उसकी जगह पहले क्या होता था, ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो आइटम रिटर्न का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करने के बाद में जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं वो अपन को सबमिट करने होते हैं, उसके बाद में अपन डायरेक्ट अकाउंट की डिटेल वगैरह डाल के और अपना रिफंड वगैरह वापस ले सकते थे। अब की बार ऐसा नहीं हुआ, अब की बार ये हुआ कि उसके जो इश्यूज हैं वो पहले 6 से 8 इश्यूज थे, अब 9 और नॉर्मली 4 या 5 इश्यूज कर दिए गए उसमें से, जो मेन मेन कंडीशन होते हैं। तो वो करने के बाद में आपको उनको क्या करना है, आपको अगर जैसे ये रिफंड करना है, तो मैंने उन्हें इश्यूज पर टाई अप कर लिया, उसके बाद में मेरे को क्या है, इसकी पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी किस कंडीशन में प्रोडक्ट है मेरे पास में। पिक्चर अपलोड करने के बाद में अपन को जो वेरीफाई का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में कॉल मी का ऑप्शन आता है या फिर डायरेक्ट चैट अमेजन के थ्रू, तो वहाँ से कॉल आता है, बात करो, उसके बाद में सेटिस्फाई करना पड़ता है, सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। उसके बाद में आजकल ऐसे ऐसे कर्मचारी बैठे हुए वहाँ पे 8-9 हज़ार रुपये कमाने वाले। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो गौर करके ये बातें सुनना, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट को मंगाते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं यूट्यूबर्स मंगाते हैं, और भी काफ़ी सारे लोग प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी ना हो, इसी वजह से मैं ये आपके साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी वीडियो बना रहा हूँ। तो आजकल तो कॉलिंग का सिस्टम होने लग गया, तो बहुत रियर चांसेज या रियर केसेज में ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट रिफंड रिटर्नेबल हो जाता है और आपका रिफंड आ जाता है, तो ऐसा आजकल वैसा सिस्टम ख़त्म कर दिया है। तो मेरा तो भाई मेरे साथ में लॉस हो गया, कम से मिनिमम 1500 रुपये का। मैंने अपने जो एक मिनी पेन आता है रिचार्जेबल, तो वो मंगाया था, जो आपको मैं डब्बा दिखाता हूँ,
तो मैंने ये अमेजन से मंगाया था, आप देख लो कितना बड़ा प्रोडक्ट है। अब देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा पंखा था जो 8 इंचेस था, फोटो में तो वैसे लग रहा था काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत छोटा था। इसकी स्पीड भी कम थी, मार्केट में जो मैंने ऑलरेडी खरीद के रख रखा था उससे कम स्पीड थी और उसकी वजह से मेरे को रिटर्न करना था। और अगर इस प्रोडक्ट की आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी अनबॉक्सिंग की अगली वीडियो। और जल्दी आपको वीडियो अनबॉक्सिंग के बाद में अगर आपको इस वीडियो का रिव्यू चाहिए, इस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, रियलिटी में कैसा नहीं है, तो आपको उस रिव्यू का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और सचेत रहिए, ध्यान रहिए, आगे से कोई प्रोडक्ट मंगवाओ तो आप पहले उसकी डिटेल्स वगैरह जान लेना और जो भी सेलर्स है बेस्ट सेलर्स है उनके हिसाब से उनको मंगाना, और रिटर्नेबल हो नीचे तो तभी प्रोडक्ट मंगाना, क्योंकि बाई चांस आपको कुछ भी एनी प्रॉब्लम हो जाए, काफ़ी सारे पैसे खर्च करते हैं आप लोग तो उस हिसाब से रिटर्न नहीं होता था उनसे दिल को दुख होता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में जो चीज़ जैसे 200 रुपये की है ना आपको ऑनलाइन 300, 350 रुपये तक मिलती है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जितने भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का ये रेड ब्लर ये कलर है ना, इसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा तो दबा देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।